दोस्तों, ये कहानी जग्गू नाम के एक लड़के की है जो एक भूत बंगले में पहुंचता है, जहां पर उसे एक जादुई टोपी मिलती है। वो टोपी बड़ी करामती होती है, लेकिन जब भूतों को पता चलता है कि वो टोपी चोरी हो गई है, वो गुस्सा हो जाते हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक गांव में जग्गू नाम का एक लड़का अपनी दादी माँ के साथ रहता था। जग्गू बचपन से ही अनाथ था, इसीलिए उसकी दादी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, मगर उसके लाड़ प्यार ने जग्गू को थोड़ा ज्यादा ही बिगाड़ के रख दिया था। हाँ? जग्गू बड़ा तो हो गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता था। दिन भर गांव में घूमता रहता और गांव वालों के साथ शैतानी करता रहता। हर नए दिन कोई ना कोई आदमी दादी माँ के पास जग्गू की शिकायत लेके आता था। अब तो दादी माँ भी जग्गू की इन हरकतों से परेशान हो गई थी। एक दिन वो जग्गू पे बड़ी गुस्सा हुई। देखो जग्गू, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने लिए कुछ काम ढूंढना होगा। जब तक तुम कोई ढंग का काम नहीं ढूंढ लेते, तब तक तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद है। दादी माँ की ये बात सुनकर जग्गू बड़ा ही उदास हुआ। वो गांव में सभी के पास काम मांगने लगा, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। ये सब मेरी शैतानियों का ही नतीजा है, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? सोचते सोचते जग्गू एक बड़े से जंगल में आ पहुँचा। अब रात भी हो गई थी और वो सोने के लिए आसरा ढूंढ रहा था। तभी उसे जंगल में एक पुरानी सी हवेली दिखाई दी। उस हवेली की खिड़कियों से रोशनी नजर आ रही थी। लगता है यहाँ पे कोई रहता है, आज की रात यहीं पे रुकता हूँ। अरे वाह, इतना सारा खाना! लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता है, फिर इतना सारा खाना क्यों? खैर, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले कुछ खा लेता हूँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जग्गू ने भरपेट खाना खाया और फिर बाजू के एक कमरे में जाके वो सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसके कानों पर हंसने की कुछ आवाजें पड़ रही थी। जग्गू चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और बाहर आया। उसने देखा कि उसी खाने के मेज पर अब बहुत सारे डरावने भूत बैठे हैं जो खाना खा रहे हैं। वाह, मजा आ गया। जब से ये जादुई टोपी मिली है, हम लोगों की खाने की चिंता ही मिट गई है। और नहीं तो क्या, रोज रोज इंसानों को डरा धमका कर उनसे खाना वसूल करना मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी इस घने जंगल में लोग कभी कभार ही आते हैं। अरे देखो तो, मुझे तो किसी इंसान की गंध आ रही है। अरे अब जल्दी से खाना खाओ, हमें चुड़ैल का नाच भी तो देखने जाना है। मगर याद रहे, उस चुड़ैल को पता नहीं लगना चाहिए कि उसकी ये जादुई टोपी हम लोगों ने चुरा ली है। जादुई टोपी, वरना वो हमें कच्चा चबा जाएगी। सभी भूत खाना खाके निकल जाते हैं। अब जग्गू उस मेज के पास आता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक लंबी सी टोपी रखी हुई है। वो उस टोपी को उठाता है। बोलिए जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? हाँ, तुम तो बोल भी सकती हो। हाँ जनाब, मैं जिसके हाथ में हूँ वही मेरा मालिक है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या आपको गोलगप्पे खाने हैं, या फिर वड़ा पाव, या आप जलेबियाँ खाना पसंद करेंगे? मुझे खाने की चीज नहीं चाहिए, तुम इसके अलावा और क्या करामत कर सकती हो? मुझे ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। जनाब, जो भी मुझे पहनेगा वो लोगों की नजरों से गायब हो जाएगा। टोपी की बात सुनकर जग्गू अब वो टोपी पहन लेता है। जैसे ही वो टोपी पहनता है, वो गायब हो जाता है। अब आपको जहाँ पर भी जाना है, मैं आपको वहाँ पर ले जा सकती हूँ। तो फिर चलो, मुझे मेरे घर ले चलो। जग्गू अपनी दादी माँ को पूरा किस्सा सुनाता है और जादुई टोपी की करामत दिखाता है। यहाँ दूसरी ओर भूत चुड़ैल का नाच देखकर घर लौट आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जादुई टोपी गायब है। वे गुस्सा हो जाते हैं और टोपी को ढूंढने बाहर निकल पड़ते हैं। भूत आ गए। भागो, भागो। कहाँ है हमारी टोपी? कहाँ है हमारी टोपी?
अरे मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ो। बोल, कहाँ है हमारी टोपी? कैसी टोपी? कौन सी टोपी? अच्छा ये बात है, अभी मजा चखाता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। ये भूत तो गांव में आ गए, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। जग्गू अब अपनी जादुई टोपी पहन लेता है और एक डंडा लेके भूतों के पीछे पड़ जाता है। अरे ओए ओए ओए, ये हमें कौन पीट रहा है? अरे अरे उनको। अरे कौन हो भाई तुम और हमें क्यों पीट रहे हो? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मेरी टोपी चुराते हो और मुझे से पूछते हो? बाप रे, इस चुड़ैल को तो पता चल गया। हाँ मुझे पता चल गया, अब तुम लोगों की खैर नहीं। हमें माफ करो बहन, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम ये गांव और ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है अब निकलो यहाँ से और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। सभी भूत घबरा के वहाँ से भाग जाते हैं। जग्गू अपनी जादुई टोपी निकाल के गाँव वालों के सामने आता है। लोग जग्गू को अपने कंधों पे उठा लेते हैं। जग्गू दादा की जय हो, 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 जग्गू दादा की जय हो। मुझे खुशी है कि अब मैं एक अच्छे मालिक की निगरानी में हूँ, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। देखा दोस्तों, उस जादुई टोपी की मदद से जग्गू ने भूतों का कैसे मुकाबला किया और उनको कैसे हराया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चीजों का सही इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा भूत जो हर रात आपके घर आए और आपका दरवाजा खटखटाए, तो क्या आप दरवाजा खोलना पसंद करोगे? कुछ ऐसी ही बात गजबपुर गांव में हुआ करती है। क्या गांव वाले उस भूत से अपने आप को बचा पाते हैं? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो गांव आप देख रहे हैं, इसका नाम है गजबपुर। इस गांव के लोग हमेशा एक डर के साए में जीते हैं। गाँव से थोड़ी दूरी पर एक पीपल का पेड़ है। हाँ, यही वो पेड़ है जिस पर एक खराब भूत रहता है। हाँ हाँ, ज्यादा करीब मत जाइए, अभी तो वो सो रहा है। लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाएगा, वो अपनी शिकार के लिए निकल पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। गजबपुर के लोग इस भूत से डरते हैं। क्यों? उसके लिए तो आपको एक रात इस गांव में रुकना पड़ेगा। अरे अरे, ये कौन चला रहा है? लगता है कोई मुसाफिर है। भाई जरा सुनो तो, क्या एक रात भर के लिए मुझे कहीं पे आसरा मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उस बाजू वाले घर में रुक सकते हो, वो भी मेरा ही मकान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजी सुनते हो, जल्दी से घर में आ जाओ, सूरज ढल चुका है। हाँ हाँ आता हूँ। हाँ, ये क्या लिखा है? ओ भूत कल आना, इसका क्या मतलब हुआ? शाम हो गई है, सब लोग अपने अपने घर वापस जाओ। दरवाजे बंद कर लो। लगता है इस गांव के लोग थोड़े पागल है। हाँ? ये क्या बकवास है? लगता है रात हो गई, चलो गांव की सैर कराता हूँ। हाँ? ओ भूत कल आना। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। वाह, ये तो मोटा और लजीज लग रहा है, इसे खाके तो बड़ा मजा आएगा। लगता है ये मुझसे मिलना चाहता है।
अरे इतनी रात गए कौन आया है? अरे हाँ बाबा आ रहा हूँ, थोड़ा दम तो लो। बचाओ बचाओ, नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आज तो बड़ी दावत होगी, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? लगता है गांव की पंचायत भरी है। क्या इस भूत से बचने का उपाय है किसी के पास? मुखिया जी, अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें तो मैं इस भूत को हरा सकता हूँ। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे ये लड़का तो जंगल की तरफ जा रहा है, पर क्यों? क्या आप जानते हैं? चलो हम भी उसके साथ चलते हैं। अब मैं इसे बदल देता हूँ। ये लड़का पागल तो नहीं हुआ है? ऐसे तो वो भूत इसके घर में आकर इसे उठा ले जाएगा। अब तो रात भी हो गई है। चलो अपनी शिकार ढूंढता हूँ। अरे इस दरवाजे पे तो लिखा है भूत आज आना। लगता है ये मुझसे मिलने के लिए बेताब है। अरे भूत दादा, आप आ गए? मैं तो आप ही की राह देख रहा था। आइए अंदर आइए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे घर के अंदर बुलाया हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? और आपसे? आप तो बड़े ही दयालु हो। हैं? पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो आपके नसीब पे रो रहा हूँ। मेरे नसीब पर? जरा ठीक से बताओ तो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आया है। वो उस जंगल की गुफा में रहता है। आज जब मैं लकड़ियाँ लाने जंगल गया था तो उसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा कि आज से हमारे गांव पर उसका अधिकार है। उसे जो भी चुनौती देगा वो उसे मार डालेगा। एक राक्षस? क्या वो मुझसे भी डरावना है? हाँ बहुत बड़ा और डरावना। वो आपको एक चींटी की तरह मसल देगा। इससे पहले वो आपको देखे आप यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊँ? मैं? भला मैं उस राक्षस से क्यों डरूं? मैं अभी जाकर उस राक्षस को चुनौती देता हूँ। जी भूत दादा, वो आज शिकार करने दूसरे गांव गया है। आप कल रात को उस गुफा में जाइए। ठीक है ठीक है, मैं कल जाकर देखूंगा। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। अब देखता हूँ कि वो राक्षस कितना बड़ा और डरावना है। कहीं सच में इस राक्षस ने मुझे मार डाला तो बाहर से ही पूछ लेता हूँ। अरे क्या अंदर कोई है? कौन है ये गुस्ताख जो मेरे एकांत को भंग करना चाहता है? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं? जी मैं एक भूत हूँ। भूत? मैं किसी भूत से नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। क्या तुमने मेरी हंसने की आवाज नहीं सुनी? देखा मेरी हंसी कितनी डरावनी है। क्या तुम्हारी हंसी मुझसे भी डरावनी है? तुम मेरी हंसी सुनना चाहते हो? ये देखो। बाप रे, इसकी हंसी तो बहुत ही डरावनी है। क्या अब तुम मेरे कान देखना चाहोगे? कान? क्या वो बहुत बड़े हैं? तुम ही देख लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा है। क्या तुम मुझे अपने दांत दिखा सकते हो? ठीक है देख लो। इतना बड़ा दांत? क्यों डर गए? मैं क्यों डरूं? मैं एक भूत हूँ, लोग मुझसे डरते हैं।
तो फिर आ जाओ अंदर, मैं तुम्हारी चटनी बना के कल सुबह नाश्ते में खाऊंगा। अरे ये धुआं कैसा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुस्से से मेरी आंखों से धूल निकल रहा है मूर्ख, अब मैं अपने मुंह में से आग निकाल कर तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये क्या, मैं चल जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मेरी पूंछ। ये तो बड़ा ही खतरनाक राक्षस है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना मेरी खैर नहीं। ओ भूत, अब कभी वापस मत आना। नहीं नहीं, मैं तो कभी वापस नहीं आऊंगा। देखा दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जो डर गया समझो मर गया। इसीलिए कुमार की तरह निडर होकर हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, फिर भूत ही क्या, हर मुसीबत पर हम जीत पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने डर का हिम्मत और धैर्य से सामना करना चाहिए, फिर विजय निश्चित है। जादुई उपहार। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा, माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। हे 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 हे। बोलो कहाँ थे तुम, चलो जल्दी पेड़े खा लो। हा? पांच तरह के पांच पेड़े बनाए हैं आज, लाल पीला केसरी सब तरह का एक एक पेड़ा है। पांच रंग के पांच पेड़े, क्या बात है, आज तो मजा आने वाला है। ये 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 ये। अब नाचते ही रहोगे या पेड़े भी खाओगे? अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा पेड़े, मेरे दोस्त मोहन के साथ मिलकर खाऊंगा। चलो माँ, आप जल्दी दे दो, मोहन इंतजार कर रहा होगा। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा, माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। गाना गुनगुनाते हुए भोलू रास्ते से जा रहा था, तभी पेड़ पर बैठे भूत ये सुन लेते हैं। पेड़े, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन वो पेड़े हमें कैसे मिलेंगे, दिखने में तो ये लड़का बहुत भोला लगता है। चलो उससे पेड़े मांग कर देखते हैं, अगर उसने हमें पेड़े दिए तो उसे बदले में हम ये जादुई हंडी दे देंगे। सही कहा भाई, वैसे भी ये हंडी हमारे कुछ काम की नहीं। सुनो बच्चे। कौन हो तुम और मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम पेड़े खाओगे? हैं? मेरे पास ताजे ताजे पेड़े हैं, मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। कितने स्वादिष्ट पेड़े हैं। ये लो बच्चे, ये जादुई हंडी है, इससे तुम जो चाहे वो मांग कर खा सकते हो। क्या सच में? अरे हाँ सच में, तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, हंडी मुझे खीर चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है, क्या सच में ये हंडी मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? आज से ये हंडी तुम्हारी है, कितना भोला है ये बच्चा। भोलू हंडी लेकर वहाँ से निकल जाता है, वो चलते चलते सोचने लगता है। मैंने तो सारे पेड़े उन भूतों को दे दिए, अब मैं मोहन को क्या दूंगा? कुछ देर बाद भोलू मोहन के घर पहुँच जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन, घर पे हो क्या, कहाँ गए? अरे भोलू आ गए तुम, चलो निकालो मेरे पेड़े। पेड़े तो नहीं है, पर मेरे पास एक हंडी है।
क्या अब तुम मुझे हंडी खिलाओगे? अरे नहीं, तुम देखो तो सही, जादुई हंडी मोहन के लिए पेड़े दे दो। हाँ, अरे ये हंडी तो कमाल की है, अगर मुझे ये हंडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बोलू, पेड़े खाकर तो बड़ी नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है और वैसे भी धूप बहुत है, कुछ देर आराम करूंगा और घर निकल जाऊंगा। भोलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही मोहन उठ जाता है और हंडी को बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन, मुझे निकलना होगा, बहुत देर भी हो चुकी है, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हंडी उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मोहन मन ही मन हंसता है। थोड़ी देर बाद भोलू घर पहुंच जाता है। माँ, देखो मुझे क्या मिला है, एक जादुई हंडी। क्या, जादुई हंडी? हाँ माँ, ये देखो जादुई हंडी, माँ को गरम गरम खीर खिलाओ। अरे लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हंडी, मुझे खीर चाहिए। हैं? फिर भी हंडी से कुछ नहीं निकलता। क्या तुम भी भोलू, हंडी में से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों जैसी बात मत कर। अरे नहीं माँ, ये सच में जादुई हंडी थी, मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। अब क्या हुआ, इसका जादू खत्म हो गया? लगता है उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे उल्लू बनाया, अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहां उसे वो भूत मिले थे। प्रणाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हंडी? एकदम बकवास है, तुमने मेरे पेड़े खाए और मुझे एक बेकार सी हंडी दे दी। चलो मेरे पेड़े निकालो। हम पेड़े तो नहीं दे सकते मालिक। मुझे नहीं पता, तुम मेरे पेड़े वापस करो वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। भूत डर जाते हैं। अरे मालिक, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। ये हंडी कैसे बेकार हो गई? सुनो मालिक, तुम एक काम करो, तुम ये लो। भूत भोलू को एक बकरी देते हैं। अरे इस बकरी का मैं क्या करूंगा? मालिक, ये जादुई बकरी है, इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। क्या, तुम मुझे वापस उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, तुम एक बार करके तो देखो। चलो ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरी लेकर भोलू वहां से निकलता है और मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। हाँ भोलू, आओ आओ। मोहन भोलू के हाथ में वो बकरी देखता है। अरे भोलू, ये क्या लेकर आए हो तुम? अरे मोहन, ये एक जादुई बकरी है, इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं। क्या, सच में? भोलू मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करने लगता है, बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे हाँ भोलू, ये तो सच में जादुई बकरी है। चलो मोहन, मैं निकलता हूँ, माँ को ये बकरी दिखानी है, माँ बकरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे रुको रुको भोलू, धूप बहुत है, मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाता हूँ, तुम वो पीकर निकल जाना। चलो ठीक है। मोहन और भोलू घर के अंदर जाते हैं। मोहन भोलू के लिए शरबत बनाता है और उसमें नीम की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। भोलू, कैसा था शरबत, अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था मोहन, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है।
अरे भोलू, कुछ देर यहीं पर आराम करो और फिर निकल जाना। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। भोलू फिर से मोहन के घर सो जाता है। मोहन उसकी बकरी बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन भाई, अब मैं निकलता हूँ। भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद भोलू अपने घर पहुँचता है। माँ ये देखो, आज मैं क्या लाया हूँ। अब क्या है? माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। हे भगवान, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ ये जादुई बकरी है। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है? अरे माँ, ये सच में जादुई बकरी है। वो कैसे? देखो माँ, भोलू बकरी को गुदगुदी करता है, पर बकरी हंसने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अब हंसो भी। क्या भोलू, तुम भी बाहर से कुछ भी उठा कर लाते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो। अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या, ये कैसे हो सकता है? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हांडी लेकर कहाँ गए थे? यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था, उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस जाता था। अब समझ में आया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बकरी और हांडी चुराई है। क्या, कुछ भी मत बोलो, तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो। सच में मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मोहन ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को बस इतना बोलो, जाओ डंडे तुम्हारा कमाल दिखाओ, फिर देखना आपको आपकी हांडी और बकरी वापस मिल जाएगी। भोलू वो डंडा लेके मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन सुनो तो जरा बाहर आओ। अरे कहीं भोलू को पता तो नहीं चला ना? मोहन मुझे पता है, तुमने ही मेरी बकरी और हांडी चुराई है ना, चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भोलू, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा। डंडे जाओ और दिखाओ अपना कमाल। अरे बचाओ बचाओ भोलू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हंडी और बकरी लौटा दूंगा, तुम इस डंडे को रोको। डंडे रुक जाओ। डंडा रुक जाता है। मोहन हंडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ ये देखो मैं क्या लाया हूँ। भोलू माँ को हंडी में से खाना और बकरी के मुँह से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ, है ना ये जादुई? हाँ बाबा है जादुई। वो अमीर हो गए और हंसी खुशी रहने लग गए। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी